नमस्कार दोस्तों, आपका ERP न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ पुली साइज एंड स्पीड कैलकुलेशन, बेल ड्राइव स्पीड कैलकुलेशन किस प्रकार करते हैं। जिस प्रकार आप देख रहे हैं, ये पुली है दो, D1 D2, और ये इसकी साइज है, D1 की साइज़ है 8 इंच और D2 की साइज़ है 16 इंच। जो चलाता है मोटर, जो चल रही है, ड्राइव हो रही है, वो ड्राइव पुली कहलाती है। और जो ये चला रही है पुली द्वारा, वी बेल्ट की पुली द्वारा चला रही है, ड्रिवन पुली कहलाती है। जैसे इसके RPM है N1 1400 RPM है, तो हमें ज्ञात करना है N2 RPM कितना है। तो हम कैलकुलेट करना सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले कैलकुलेट करने के एक फार्मूला होता है N1 D1 बराबर N2 D2। तो हमें निकालना है N1 निकालना है N2 निकालना है। तो क्या करना है, N1 D1 बटे D2 बराबर N2। ओके, अब आगे ये N1 है 1400 इंटू D1 8 इंच, 8/16, D2 16। कैलकुलेट करने के बाद में हम देखते हैं ये इससे कट रहा है, होगा ये 700। तो क्या हुआ, 700 RPM किसका, N2 का। इसके हम निकाल से इसी प्रकार सारे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना ना भूलिए और शेयर करना ना भूलें। आगे वीडियो आपको मैं जल्द से जल्द दिखाता रहूँगा।